हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। आज हम कवर करेंगे स्पीड मैथ्स पार्ट 4, डिजिटल सम। सबसे पहले डिजिटल सम समझते हैं। डिजिटल सम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स अनटिल सिंगल डिजिट कम्स, मतलब डिजिट का सम करें जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। डिजिटल सम होता क्या है ये समझें। 123 का डिजिटल सम, सम ऑफ डिजिट अनटिल सिंगल डिजिट कम्स, 1 + 2 + 3। 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6। 123 का डिजिटल सम क्या आया? 6। 1, 2, 3, 4 का डिजिटल सम, 1 + 2 + 3 + 4। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। 10 को फिर 1 + 0 ऐड किया, 10 को फिर डिजिट का सम किया, 1 + 0 = 1। अनटिल सिंगल डिजिट, मतलब डिजिट का सम जब तक करें जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। अब डिजिटल सम यूज़फुल क्या है? डिजिटल सम का यूज़ है आप अपने आंसर को वैलिडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आंसर को वैलिडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा यूज़ हो सकता है डिजिटल सम का, एलिमिनेशन। दूसरा यूज़ क्या हो सकता है? एलिमिनेशन। ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए भी आप डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर, आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया, या फिर आप किसी नंबर का क्यू कर रहे हैं, या फिर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आपने आपका जो आंसर आया उस आंसर को वैलिडेट करना कि आपका आंसर सही आया या नहीं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिजिटल सम। पहला क्वेश्चन देखते हैं डिजिटल सम का। 21 का स्क्वायर 21 × 21 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 3 × 3 = 9 मतलब 21 का जो स्क्वायर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9। उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9। 21 का स्क्वायर। अब हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है स्क्वायर के लिए। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? स्प्लिट करते हैं। a² = 4, 2² = 4, 2 × 2 = 4, 1 कितना आ जाएगा? 4। 1² = 1। 441 इसका स्क्वायर होता है। 441 21 का स्क्वायर होता है। 441 का डिजिटल सम क्या आएगा? 4 + 4 + 1 कितना आ जाएगा? 9। मतलब 21 का डिजिटल सम क्या आया? 9। तो ये अपना क्या होगा आंसर। अब ये यूज़ कैसे आएगा वो आप यहाँ समझ लीजिए। मान लीजिए 21 का स्क्वायर पूछा गया हो, ऑप्शन में दे रखे हैं 5 + 1 = 6, 3 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 4 + 4 = 1। 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 21 × 21 डिजिटल सम। 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, 3 × 3 = 9 इसका डिजिटल सम 9 है। अब इसका डिजिटल सम देखें आप, 5 + 1 = 6, 6 + 6 = 12, 12 को क्या लिखेंगे? 1 + 2 = 3 इसका डिजिटल सम आया 3। 3 + 1 = 4 + 2 = 6 इसका डिजिटल सम आया 6। इसका डिजिटल सम क्या आया? 3 + 3 = 6 इसका डिजिटल सम। 4 + 4 = 8 + 1 = 9 मीन्स डिजिटल सम इसका सेम आया। मतलब आंसर क्या हुआ? 21² क्या हुआ? 441। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्क्वायर से ही। सेकंड क्वेश्चन 22² पूछा है आपको, और ऑप्शन में दे रखा है क्या? 4, 22 और 24, 484। पहला स्टेप क्या होगा इसका डिजिटल सम? 22 × 22 लिखेंगे आप। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 1 + 6 = 7 इसका डिजिटल सम क्या है? 7। मतलब आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 7।
फोर प्लस टू इज़ सिक्स प्लस फोर टेन, वन प्लस ज़ीरो इज़ वन, फोर प्लस एट ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, वन प्लस सिक्स इज सेवन, मीन्स आंसर क्या होगा सेकेंड। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा डिजिटल सम स्क्वायर को चेक करने के लिए, देखा अभी हमने डिजिटल सम। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, देखते हैं मान लीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन आया 12 इंटू 21 और आंसर में दे रखा है 252 352 452 एंड 552। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देख चुके हैं हम मल्टीप्लिकेशन की, ये आप मेरा वीडियो थर्ड में देख लीजिएगा, स्पीड मैथ्स पार्ट थर्ड में, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक देखनी है, और स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक अगर आपको देखनी है तो स्पीड मैथ्स पार्ट फर्स्ट में, और क्यू की शॉर्ट ट्रिक है स्पीड मैथ्स पार्ट थर्ड में, उसके बाद ही मैंने पार्ट फोर में ये कवर किया है आपका डिजिटल सम। तो वन प्लस थ्री इज, वन प्लस टू इज़ थ्री, टू प्लस वन इज़ आल्सो थ्री, थ्री इंटू थ्री इज़ नाइन, डिजिटल सम क्या आना चाहिए आंसर में नाइन, टू प्लस फाइव सेवन प्लस टू इज़ नाइन, मतलब आंसर क्या होगा ये सारे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वैलिड, ये मेथड जो है डिजिटल सम का वैलिडेट करने के लिए है अपना आंसर सही, रिजेक्शन करने के लिए ऑप्शंस को। तो अगर कोई और ऑप्शन में नाइन आएगा तो आपको करके देखना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं आप, थ्री इंटू थ्री प्लस फाइव इज़ एट, एट प्लस टू टेन, वन प्लस ज़ीरो इज़ वन, नाइन नाइन प्लस टू इलेवन, वन प्लस वन इज़ टू, फाइव 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 प्लस फाइव टेन, टेन प्लस टू इज़ ट्वेल्व, वन प्लस टू इज़ थ्री, मीन्स आंसर क्या है 252, आंसर क्या है 252। एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, फोर 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 फोर, टू थ्री वन फोर, फोर 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 फोर, टू थ्री वन फोर, और ऑप्शन में दे रखा है आपको 1028 4516 1028 3416। फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर कितना आ जाएगा 16, वन प्लस सिक्स सेवन, सिक्सटीन वन प्लस सिक्स सेवन, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, वन प्लस ज़ीरो वन, मीन्स डिजिटल सम क्या आएगा इसका 1 × 7 7, डिजिटल सम क्या आएगा 7। अब ऑप्शन चेक करते हैं, अगर ऑप्शन में डिजिटल सम 7 जिसके भी मिला तो वो अपना क्या हुआ आंसर, 1 + 0 1 + 2 3 3 + 8 11 11 + 4 15 15 + 5 20 20 + 1 21 21 + 21 + 6 27, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 2 + 7 9। सेकंड का देखते हैं, 3 11 11 3 14 14 + 4 18 18 + 1 19 19 + 6 25, 2 + 5 कितना आ जाएगा 7, मतलब डिजिटल सम इसका इसका और इसका सेम है, मतलब आंसर क्या है ये सेकंड वाला आंसर है। अब देखते हैं कि क्यू फाइंड करते हुए आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखें 14 क्यू और आंसर में आपको दे रखा है क्या 3744 4744 2744 5744। 14 क्यू मतलब 1 + 4 5 × 5 × 5 डिजिटल सम 125 125, 1 + 2 3 3 + 5 8, मतलब आंसर का डिजिटल सम क्या आना चाहिए 8, 3 + 7 10, 10 + 4 14, 14 + 4 = 18, 1 + 8 = 9, 4 + 7 = 11, 11 + 4 = 15, 15 + 4 = 19, 1 + 9 = 10, 1 डिजिटल सम, 2 + 7 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 4 = 13 + 4 = 17, 1 + 7 = 8, 5 + 7 = 12, 12 + 4
16 प्लस 4 इज 22 प्लस 0 इज 2, मीन्स डिजिटल सम इसका और इसका सेम है, मतलब आंसर क्या होगा 27414 का क्यूब। अब आप इसकी इसका एक और टाइप देख लेते हैं और बाकी जो हम कवर करेंगे डिजिटल सम और कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो अलग से भी देख लेंगे अपने वीडियो में। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम इन कंपाउंड इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम इन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब डिजिटल सम की एप्लीकेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 6962, रेट दे रखी है 18%, ईयर दे रखे हैं 2 ईयर और आपसे पूछा गया प्रिंसिपल फाइंड करिए। ऑप्शन दे रखा है 4200 4400 4500 एंड 5000। अब आपको आप कैसे डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं वो आप देखिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r / 100^n। अप्लाई किया अमाउंट 6962 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r = 18/100^2। 6 + 9 = 15, 15 + 6 = 21, 21 + 2 = 23, 23 + 2 + 3 = 5, डिजिटल सम 5, प्रिंसिपल 118/100^2। 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1 / 1 का स्क्वायर, वो पी यहाँ पे है। मीन्स अगला स्टेप क्या होगा, 5 = p, मतलब प्रिंसिपल का डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 5। तो ऑप्शन में देख लीजिए जिसका भी डिजिटल सम 5 आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। 4 + 2 = 6, ये नहीं हो सकता। 4 + 4 = 8, ये भी नहीं हो सकता। 4 + 5 = 9, ये भी नहीं हो सकता। 5 इसका डिजिटल सम है, मतलब आंसर क्या होगा ये। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम इन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ओके, तो फॉर्मूला यूज़ किया 5 + 4 = 9, 9 + 8 = 17, 17 + 8 = 25, 2 + 5 = p, 140/100^3, 5 × 125, 125, 1 + 2 + 5 = 7, p 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ से डिजिटल सम निकाल लेते हैं, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लिकेशन p की वैल्यू क्या होगी जो मल्टीप्लिकेशन करने पे डिजिटल सम 7 आ जाए, तो p की वैल्यू अगर 9 होगी तो 72 आएगा, 72 7 + 2 = 9 आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। p की वैल्यू 1 होगी तो 8 = 7, ये भी नहीं होगा। p की वैल्यू 2 होगी तो 8 × 2 = 16 और 1 + 6 क्या आ जाएगा 7, तो p की वैल्यू क्या होगी 2, तभी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा c। ये था एप्लीकेशन डिजिटल सम की, किस तरीके से आप अपने आंसर को चेक करने के लिए जो आपने मल्टीप्लिकेशन में किया है, जो आपने स्क्वायर में किया है, जो आपने क्यू में किया है, वो आप चेक कर सकते हैं डिजिटल सम से। और एक एप्लीकेशन आपने देखी कि डिजिटल सम को किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इज डिजिटल सम इज एप्लीकेबल फॉर एप्रोक्सीमेशन, क्या डिजिटल सम आप एप्रोक्सीमेशन
के जो क्वेश्चन रहते हैं, अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं डिजिटल सम का, तो मैं बोलूँगा बहुत बड़ा नो, नहीं। आप डिजिटल सम को अप्रोक्सीमेशन में कभी भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये एलिमिनेशन का मेथड है और आप इससे वैलिडेट कर सकते हैं आपने किया जो है वो सही है या गलत है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, इसको आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन बनता है डिजिटल सम से कि यार डिजिटल सम आप डेसिमल नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन जैसे कि 2.5 का मल्टीप्लिकेशन 1.5 से करते हैं तो आंसर आता है आपका 3.75 का मल्टीप्लिकेशन 1.5 से करेंगे तो आंसर आएगा 3.75। तो क्या ये डेसिमल पे अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल सम? तो मैं बोलूँगा यस, आप कर सकते हैं। आप देख लीजिए टू प्लस फाइव क्या आता है 7, 1 प्लस 5 6, 7 × 6 क्या आ जाएगा 42, 4 + 2 क्या आ जाएगा 6, मतलब आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 6। अब देख लीजिए आंसर का डिजिटल सम 6 आ रहा है कि नहीं, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 1 + 5 = 6, मतलब डिजिटल सम आप डेसिमल वाले नंबर्स पे भी कर सकते हैं अप्लाई। ओके, ये था हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप अगर जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको कहीं डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट का एक ऑप्शन आता है वहाँ, प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें क्वेश्चन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।